बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन टेस्टेस मात्र की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, पेडागॉजी का सिलसिला जो हमने शुरू किया है, पार्ट 5 अपलोड कर लेते हैं आज। इससे पहले जितने भी पार्ट्स हो चुके हैं उनके लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। तो शुरू करते हैं। आज का पेपर भी SST का पेपर है, 2018 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 66 देखे। द क्लासरूम एनवायरमेंट नीड्स टू बी प्रोमोटिंग। क्लासरूम का एनवायरमेंट किस चीज को प्रोमोट करना चाहिए। ऑप्शन देखे। पेडागॉजी के क्वेश्चन दोस्तों मुश्किल ही होते हैं, लेकिन चंद क्वेश्चन इसमें ऐसे भी होते हैं कि उसको हम कॉमन सेंस से हल कर सकते हैं। जिस तरह की ये वाले क्वेश्चन जो है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर बच्चों की इंटरेस्ट यानी सीखने का जज्बा ज्यादा हो। तो यहां पर ऑप्शन ए को देखिए, इंटरेस्ट इन इंक्वायरी, इंक्वायरी पूछ गुछ, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। अब ये देखिए, फोकस एंड हार्ड वर्क, ये नहीं होना। रेगुलरिटी एंड प्रेजेंस, टीचर्स कंट्रोल, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है दैट इज ऑप्शन ए है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 67 देखे, ग्रुप गाइडेंस प्रोवाइड्स स्टूडेंट्स एंड एम्प्लॉइज विद। तो यहां भी ये क्वेश्चन भी अगर थोड़ा बहुत कॉमन सेंस से काम लिया जाए, जब हम ग्रुप्स की शक्ल में डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें क्या क्या हासिल होता है, उससे हमें क्या फायदा होता है, वो ग्रुप डिस्कशन हमें क्या मुहैया करता है, यही कि उससे हमें फायदेमंद मालूमात हासिल हो जाते हैं, यही हो जाता है ना। तो देखे, बेनिफिशियल इंफॉर्मेशन, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 68 भी इसी तरह का है दोस्तों, कि इसको भी कॉमन सेंस से हल किया जा सकता है। द मेथड डेट प्रोवाइड मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग, एक दूसरे के साथ शेयर करना आइडियाज को, ठीक है। तो किस चीज से हम ये शेयरिंग कर सकते हैं, आया डिस्कशन, प्रोजेक्ट, डिस्कवरी, डिमॉन्स्ट्रेशन, द ओनली थिंग इज डिस्कशन। तो यहां भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 69 देखे, द कोर ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज द टीचर शुड बी फोकस ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब ये कॉमन सेंस से हल नहीं हो सकता, अब इसको जिसने स्टडी किया होगा तो वो हासिल करता है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां भी करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है, रीजनिंग पूछ गुज। और क्वेश्चन नंबर 70 देखे, इन माइक्रो टीचिंग द इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन रेफरिंग वंस स्किल इज। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अगर किसी में कॉमन सेंस की है, माइक्रो टीचिंग में अपने अपने स्किल को रेफर करना, उसमें अहम कंपोनेंट कौन सा है, वो ऐसा है कि सेल्फ और रिव्यू ऑफ वंस वीडियो, अपनी वीडियोस को दोबारा खुद रिव्यू करना, तो दैट इज रेफरिंग वन स्किल, अपने स्किल की तरफ रेफर करना है। और क्वेश्चन नंबर 71 देखे, हायर थिंकिंग एबिलिटी एज पर रिवाइज ब्लूम्स टेक्नोलॉजी इज। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन क्रिएटिंग है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर 72 को बताते हैं, 72 फाइनल टास्क ऑफ द लेसन प्लान। ये दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो हर वीडियो में तकरीबन लेसन प्लान के बारे में
किसी न किसी सूरत में क्वेश्चन होता है। तो इसमें फाइनल टास्क असेसमेंट है, ऑप्शन बी है। और क्वेश्चन नंबर 73 देखे, 73 नंबर क्वेश्चन, इफ द स्कोर आर रिपीटेडली इनकंसिस्टेंट देन द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज हाई होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी है। एंड क्वेश्चन नंबर 74 देखे, विच स्टेटमेंट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशनल मेजरमेंट, जीरो हैज नो सिग्निफिकेंस इन मेजरिंग द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज, एजुकेशनल मेजरमेंट इज डायरेक्ट वेरी मच एब्सोल्यूट कुड नॉट बी चेंज टाइम टू टाइम, नॉट एब्सोल्यूट कुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है दोस्तों। एंड क्वेश्चन नंबर 75 जो है देखिए, इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग करिकुलम नीड एनालिसिस मीन आइडेंटिफाई गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, ऑप्शन बी। और क्वेश्चन नंबर 76 देखे, करिकुलम रिलेवेंस मीन्स, करिकुलम रिलेवेंस मीन रिलेवेंस टू देयर लाइव्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर, ऑप्शन ए करेक्ट है। और आखिरी क्वेश्चन देखे 77 नंबर, ऑपरेंट कंडीशनिंग रिफर्स टू लर्निंग थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, ऑप्शन सी है इसमें। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, पसंद आने की सूरत में प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।